नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आजकल बानी हम ममता तिवारी राउत पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा एक बार भी ले आयल बानी भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल हर वो तमाम खबर के जो जनला का बाद रउआ सबके बहुत खुशी होगी। आ पहला खबर जो ले आयल बानी वो जुड़ल बाटे खेसारी लाल से। खेसारी लाल आजकल दिन पर दिन नया नया फिल्म के सरप्राइज देता रहे अपन दर्शक लोग के। पहले नागदेव का सेट पर खेसारी 786 के अनाउंसमेंट कैले, अब दबंग सरकार के शूटिंग शुरू कर चुकल बड़े काल्हे से लखनऊ में। अब सरप्राइज ई मिलल बाटे कि खेसारी के ई फिल्म यानी दबंग सरकार से दुगो नया अभिनेत्री की एंट्री होके जाता। हालांकि हीरोइन के बा ए बात के खुलासा अभी नहीं के भय, लेकिन हड़कंप मच गल बा कि खेसारी इतना ज़्यादा नया नया हीरोइन आखिर ला कहाँ से रहल बड़े, लेकिन वो बाद में पता चली। फिलहाल रउआ सब देखी ई खबर। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों के लिए लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी ने हाल ही में अपनी फिल्म मैं नागिन तू सपेरा की शूटिंग पूरी की है और दूसरी फिल्म खेसारी 786 का मुहूर्त हुआ। साथ ही खेसारी ने अब अपनी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, हाल ही में खेसारी लखनऊ में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। सुनने में आया है कि इस फिल्म में एक बार फिर से खेसारी के साथ दो नई अभिनेत्रियों की एंट्री होने जा रही है, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अगर आपको याद हो तो इसी फिल्म के लिए खेसारी ने अपनी बॉडी पर बहुत मेहनत की थी। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव पुलिस का किरदार निभाते नजर आएंगे, तो वहीं इस बार खेसारी की फिल्म में विलन के किरदार में अवधेश मिश्रा नहीं बल्कि संजय पांडे नजर आने वाले हैं। अपनी फिल्म दबंग सरकार के शूटिंग के बाद खेसारी अपनी अगली फिल्म खेसारी 786 की शूटिंग शुरू कर देंगे। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म करके अपनी आने वाली फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको हर बार की तरह खेसारी और काजल की जोड़ी दिखाई नहीं देगी बल्कि इस फिल्म में खेसारी के साथ एक बार फिर से दो नई अभिनेत्रियों की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, आने वाले दिनों में इस फिल्म का ट्रेलर या टीजर आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। फिलहाल कौन कौन सी हीरोइनें हैं इस फिल्म में खेसारी के साथ, इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन खेसारी के साथ इस फिल्म में काजल नहीं है ये बात तय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में खेसारी पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन जब हीरोइनें दो हैं तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि दोनों हीरोइनों में से किसके प्यार में खेसारी होते हैं पागल। तब भाई इतना दिनों बाद फिर अब काजल के होके के पड़ी साइड कहे कि हालांकि काजल बहुत सारा फिल्म दूसरा स्टार के साथ साइन कर चुकल बाड़ी, लेकिन जिला चंपारण का बाद अब सीधे दबंग सरकार देखे के मिली जे बिना काजल खेसारी के फिल्म होगी। नया नया हीरोइन का साथ एक बार फिर खेसारी नजर रही हन। लेकिन बढ़ल जाओ आगे जान लेल जाओ अगला खबर इहो खेसारी के फिल्म से जुड़ल बा। फिल्म के नाम बटे दुल्हन गंगा पार के। एक साल से अटकल फिल्म के लेके हमेशा खबर आवेला, एक बार फिर आवता कि एकर अंतिम डबिंग मतलब फिल्म के कंप्लीट होके के अंतिम डबिंग जो बाकी रलक है वो काजल दो दिन पहले पूरा कर लेले बड़ी। यही से अब कयास लगावल जा रहा बा कि फिल्म जल्दी रिलीज हो जाए, लेकिन का बाटे खबर के पूरा जानकारी ले आइल बानी देखी खबर। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। खेसारी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट और ब्रांड बिला प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म दुल्हन गंगा पार के की जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें लीड रोल में एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव इस फिल्म में इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही आम्रपाली जिन्हें लोगों ने यूट्यूब क्वीन की उपाधि दे दी है खेसारी लाल यादव के साथ इस फिल्म के लिए एक आइटम नंबर करेंगी। हालांकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आइटम नंबर में आम्रपाली और खेसारी लाल की जोड़ी बड़ा धमाका करने वाली है, जिसमें उन्होंने खेसारी के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। फिल्म में एक बार फिर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर, के गोस्वामी और त्रिशा खान भी फिल्म में नजर आएंगे।
भोजपुरी की खूबसूरत हीरोइन काजल राघवानी और फैशन आइकन इन दिनों वैसे तो कई सारी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काजल ने अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने लुक को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काजल राघवानी ने हाल ही में अक्षय कुमार का चैलेंज स्वीकार करके पैड के साथ फोटो शेयर की है। वैसे तो कई सारे लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है, लेकिन काजल के लिए इस चैलेंज को स्वीकार करना इन अफवाहों को तेज कर देता है कि काजल बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है। जी हाँ, कुछ समय पहले ही ये खबर सुनने को मिली थी कि खेसारी को कई बार बॉलीवुड से ऑफर आए, लेकिन खेसारी ने मना कर दिया और अब काजल को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही में सुनने में आया है कि काजल बहुत जल्द बॉलीवुड फिल्म मजाज में नजर आने वाली हैं। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि काजल किस अंदाज में बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काजल गुजराती फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो इंतजार हमेशा जैसे ही दुल्हन गंगा पार के नाम आवेला, इंतजार के घड़ी और लंबा होके वाला बा, ये बात के पहले से पता चल जाला। कहे कि एक साल से कहल जाता कि अब रिलीज हो जाए, अब ई रह गए रलखा ऊ पूरा हो गए, ऊ रल गए रलखा अब पूरा हो गए, लेकिन अभी तक ये फिल्म पूरा नहीं खे भइल। कब रिलीज हुई एकरो बात के अभी कोनो जानकारी नहीं खे, ट्रेलर तक भी रिलीज नहीं खे कल गई, तो फिल्म तो दूर के बाद बा। तो बढ़े के आगे जान लेवे कि अगला खबर जो जुड़ल बाटे खेसारी के, दो गो फिल्म हाल ही में शूट करके खत्म कर ले बड़े। सुने में आ रहा बा कि खेसारी के एक औरो लुक देखे के मिली जिमें उ धर्मात्मा का रूप में नजर आ रहा बड़े। आ धर्मात्मा दरअसल इनकर फिल्म ही आवे वाला बा, देखी। भोजपुरिया दर्शकों के चहेते और सुपरहिट फिल्मों गानों से तहलका मचाने वाले हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में अगर आपको अचानक से ये पता चले कि उन्होंने मनोरंजन की दुनिया का त्याग करके आस्था का दामन थाम लिया है और हीरो के बाद अब बन चुके हैं धर्मात्मा, तो आप क्या करेंगे? यकीनन आपको हैरानी और परेशानी दोनों होगी, लेकिन आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी असल जिंदगी में नहीं बल्कि खेसारी अपनी अगली फिल्म में दर्शकों को धर्मात्मा के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, हाल ही में एक बड़ी खबर हाथ लगी कि दबंग सरकार के बाद खेसारी 786 की शूटिंग करेंगे और इसके बाद करेंगे धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग। तो अब तक जिन्होंने खेसारी को फिल्मों में देखा है वो हैरान हो सकते हैं क्योंकि खेसारी पहली बार धर्मात्मा के रूप में अलग अवतार में नजर आएंगे। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द ही शूटिंग शुरू होते ही आप लोगों के सामने खेसारी का नया रूप सामने होगा। तो खेसारी इतना नया नया काम कर रहल बड़े, इतना ज्यादा सुर्खी में बनल बड़े कि आज हमारे प्रोग्राम में चारों खबर इनकरे से जुड़ल बाटे। चौथा खबर जो बाटे वो खेसारी आम्रपाली से जुड़ल बा। इन लोग के एगो गाना, इन लोग के जोड़ी से बनल एगो गाना दुल्हन गंगा पार में वो सब देखे के मिली, लेकिन अब सुने में आ रहल बा कि एक बार फिर से ये लोग दूसरा केहू फिल्म में एक आइटम सॉन्ग जरूर करी, जैसे जुड़ल हम खबर ले आएल बानी रउआ सब खातिर, देखी। भोजपुरी के सुपरहिट हीरो खेसारी लाल यादव अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, ये बात तो आप सब जानते हैं, लेकिन खेसारी आम्रपाली के साथ जबरदस्त चर्चा में अभी तक रहे हैं अपनी फिल्म दुल्हन गंगा पार को लेकर। इस गाने में एक आइटम सॉन्ग आम्रपाली और खेसारी ने मिलकर किया जिस गाने के बोल थे मरद अभी बच्चा बा, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम्रपाली खेसारी के साथ एक और किसी फिल्म में प्रमोशनल सॉन्ग की तैयारी में है जिसमें गाना होगा घघरी में लाल किला। हालांकि ये गाना किस फिल्म का है और कब होगी इस गाने की शूटिंग इसका खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन पहला सॉन्ग करने के बाद से ही ये जोड़ी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, तो जाहिर सी बात है दूसरे गाने में भी दर्शकों को ये जोड़ी बेहद पसंद आएगी। तो ई रहे आज के ताजा खबर, जाए के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले बताएं अंतिम मैसेज जे भेजले बड़े चंदन सिंह। ये लिखा तारे पवन सिंह जी का वांटेड सुपर हिट होगा, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस बाटे तो भाई हिट होके के ही चाहिए, अब दर्शक लोग जब कहता तो हिट दर्शके लोग रेनू करवावे के बा। तो जल्दी से ये फिल्म रिलीज हो जाओ 1-2 मार्च का बीच में, बस सिनेमा घर में भीड़ लागल तय बा। तो चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले कहल चाहें कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब कर दी लोग, ऐसे ही लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पावे खातिर बल के आइकन वाला बटन रहो सब दबा दें तो रहो सबका लगे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ऐसे ही कुछ खास मैसेज करें अगला प्रोग्राम में हम राउंड मैसेज के जरूर बताएं, लेकिन तब तक खातिर दी इजाजत, प्रणाम।